हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SSC कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपने वोकैब पार्ट का दूसरा अपने वोकैब सेशन का दूसरा पार्ट। ये दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें इस वर्ड का सिनोनिम पता करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते कौन सा ऑप्शन सही है। सीवियर, सीवियर का मतलब दोस्तों क्या होता है? सीवियर का मतलब होता है दोस्तों अलग करना, अलग, टू डिवाइड समथिंग, अलग अलग करना। ठीक है दोस्तों, क्या करना? अलग करना। सीवियर का मतलब क्या होता है? अलग करना। दोस्तों, इरीटेट का मतलब क्या होता है? इरीटेट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना या परेशान करना। इरीटेट का मतलब होता है तंग करना या परेशान करना। ठीक है दोस्तों, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना। दोस्तों, क्या होता है? उकसाना, किसी को उकसाना। ठीक है दोस्तों, इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? उकसाना दोस्तों। ठीक है, और अगला जो दिया है, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? अलगाव, अलगाव होता है दोस्तों, ब्रेक ऑफ का मतलब अलगाव होता है। ठीक है दोस्तों, और सेटल का मतलब होता है, सेटल का मतलब ये दोस्तों सेटल रहना चाहिए। यहाँ पे सी की जगह पे ई बना लीजिएगा आप लोग, सेटल की जगह सी की जगह पे ई रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सेटल का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित कर देना। ठीक है दोस्तों, लगाना या फिर बैठाना, किसी चीज़ को व्यवस्थित कर देना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अलगाव, अलगाव की मीनिंग मीनिंग के तौर पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ब्रेक ऑफ वाला। सीवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? पृथक करना, और ब्रेक ऑफ का मतलब भी होता है दोस्तों पृथक करना। ठीक है, तो आप इन सब वर्ड मीनिंग को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपका ही फायदा होगा। तो दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैलर, वैलर का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेलर का मतलब होता है दोस्तों बहादुरी, बहादुरी। दोस्तों, क्या होता है वेलर का मतलब? बहादुरी। ठीक है, वेलर का मतलब होता है बहादुरी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है वेलर का मतलब? बहादुरी। और ब्रेवरी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यह बहादुरी का सेंस रखता है। ठीक है, और कावर्डाइस का मतलब क्या होता है? डर होता है। ठीक है दोस्तों, इंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्साही, दैट वी कैन कॉल कीन, उत्साही होता है दोस्तों। क्या होता है? उत्साही। और एक दिया है इंटरप्राइजिंग, इसका मतलब क्या होता है? उद्यमी या फिर साहसी, इसे क्या कहते हैं? उद्यमी या फिर साहसी। ठीक है दोस्तों, तो इस एक बार फिर से देखते हैं। वेलोर, वेलोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेलोर का मतलब होता है पराक्रमी, पराक्रम या फिर बहादुरी, पराक्रम या फिर बहादुरी। ठीक है दोस्तों, पराक्रम या फिर बहादुरी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ए वाला। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे तो आपका ही फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला क्या है दोस्तों? फाइंड द एंटोनिम। हमें हमें इस शब्द का एंटोनिम पता करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पता करते हैं। बोइस्टरस, बोइस्टरस मतलब क्या होता है दोस्तों? बोइस्टरस, बोइस्टरस का मतलब होता है नॉइजी, नॉइजी होता है। ठीक है दोस्तों, नॉइजी मतलब शोरगुल से भरा हुआ। बोइस्टरस का मतलब क्या होता है? नॉइजी होता है या फिर उद्यमी होता है, उद्यमी हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नॉइजी तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नॉइजी इसका सिनोनिम हो जाएगा। चाइल्डिश का मतलब बचकाना होता है, चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? बचकाना। और बोस्ट का मतलब बेखी सेखी भगाना होता है दोस्तों। बोस्ट का मतलब क्या होता है? सेखी भगाना होता है, मतलब जैसे कि किसी चीज़ की, मतलब अपने खुद की, मतलब खुद का सराहना करना होता है। ठीक है दोस्तों, खुद की तारीफ करना होता है। और काम, काम का मतलब दोस्तों क्या होता है? शांत। ठीक है दोस्तों, काम का मतलब क्या होता है? शांत, और जो कि बोस्टरस के एकदम बिल्कुल अपोजिट है काम, इसलिए यह कौन सा सही हो जाएगा? काम। बॉयस्टरस का मतलब उद्यमी या फिर नॉइजी हम बोल सकते हैं, उद्यमी या फिर नॉइजी। और काम का मतलब क्या होता है दोस्तों? शांत होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए, आप पेन पेन और कॉपी लेके इसे नोट डाउन जरूर करें, नोट डाउन जरूर करें, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन भी एंटोनिम पता करना है। कोहेरेंट, कोहेरेंट का दोस्तों पता करना है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुसंगत होता है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुसंगत। ठीक है दोस्तों, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? सुसंगत। और डाइवर्जेंट का मतलब दोस्तों होता है विसंगत। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? विसंगत। यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, डाइवर्जेंट वाला ऑप्शन हमारा सही है। और बाकियों को देख लेते हैं। कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग, ठीक है दोस्तों, हम कभी कभी बोलते हैं वाट अ कोइंसिडेंस, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी वाट अ कोइंसिडेंस, मतलब क्या होता है? अचानक से किसी से मिलने पर हम क्या बोलते हैं? वाट अ कोइंसिडेंस, उसी से बना है कोइंसाइडिंग। कोइंसाइडिंग का मतलब क्या होता है? अचानक से कुछ पढ़ना, किसी किसी समय पर पढ़ना, अचानक से किसी से मिलना, तो ये कोइंसिडेंस
इनसाइडिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रैश, रैश का मतलब क्या होता है दोस्तों, अविवेकी, इसे अविवेकी बोलते हैं। समवन हु इज रैश वी कैन कॉल, मतलब उसे हम बोल सकते हैं अविवेकी। ठीक है दोस्तों, जो कि बिना सोचे समझे ही काम को करता है। ठीक है दोस्तों, अविचारी व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वाले शब्द पर चलते हैं। अगला वाला दोस्तों है गिव द सुटेबल मीनिंग ऑफ दिस इडियम्स। ठीक है दोस्तों, हमें इडियम का मीनिंग पता करना है। तो पेंड्रॉज बॉक्स, इसका मतलब होता है दोस्तों बुराइयों का संग्रह। ठीक है दोस्तों, बुराइयों का संग्रह, बुराइयों का संग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, पेंड्रॉज बॉक्स का मतलब क्या था, बुराइयों का संग्रह। कौन सा ऑप्शन है, कलेक्शन ऑफ नॉलेज, ये गलत हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ एविल्स, ये सही हो जाएगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एविल्स सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ एविल्स सही हो जाएगा। कवर्ड विद ब्रूसेज, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों है टू मेक द बेस्ट ऑफ ए बैड बार्गेन। इसका मतलब दोस्तों होता है कि जब मान लीजिए आप कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मोल भाव हो रहा है, मोल भाव बहुत ज़्यादा कोई कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसमें मुनाफा कमा ले रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं टू मेक द बेस्ट ऑफ ए बैड बार्गेन। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसमें काफ़ी ज़्यादा मोल भाव कर रहा है, मान लीजिए आप 100 की चीज़ है, उसको आप कह रहे हैं नहीं, वो आप कह रहे हैं मैं 90 का दे दूंगा, वो बोला नहीं मैं 80 का दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसमें मोल भाव ज़्यादा कर रहा है लेकिन फिर भी आप उसमें मुनाफा कमा ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब मोल भाव में भी मुनाफा कमा लेना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा टू टर्न ए डिसअपॉइंटमेंट टू द बेस्ट। टू टर्न ए डिसअपॉइंटमेंट टू द बेस्ट, मतलब देखिए यह वाला टू सेल ए गुड्स एट हाई प्राइसेज, या इडियम का अर्थ क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसका मतलब, इडियम का मतलब यह नहीं कि आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं महंगे प्राइस में बेच रहे हैं, मैंने तो सिर्फ उदाहरण देकर बताया था। मतलब इसका मतलब यह हो गया, रियल मीनिंग यह हो गया, किसी आप मतलब बुरे कंडीशन में भी अच्छी चीज़ को पाएँ, जैसे आपके साथ बुरा होने लगा है फिर भी आप अच्छा आपके साथ अच्छा हो जाए। ठीक है, तो यह सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला वाला को देखते हैं, अवॉइड अनब्रोकन व्यू, अवॉइड अनब्रोकन व्यू। ठीक है दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, एक विस्तृत अखंड दृश्य। ठीक है दोस्तों, अब एक विस्तृत अखंड दृश्य इसका मीनिंग होता है, एक विस्तृत अखंड दृश्य। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, जो कि पैनोरोमा का मीनिंग क्या होता है, पैनोरोमा का मतलब होता है अवॉइड अनब्रोकन व्यू। ठीक है दोस्तों, और एक दिया है पाइटिज्म, पाइटिज्म का मतलब दोस्तों होता है भक्तिवाद। ठीक है दोस्तों, पाइटिज्म का मतलब होता है भक्तिवाद, और पियर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, छेदित करना। ठीक है दोस्तों, छेदित करना होता है, पियर्स का मतलब छेदित करना। ठीक है, तो अवॉइड ब्रोकन व्यू का क्या हो जाएगा, पनोरोमा। ठीक है, पैनोरोमा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है एक विस्तृत अखंड दृश्य। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इसके लिए वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता करना था हमें। ठीक है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें क्या पता करना था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता करना है हमें। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका क्या हो जाएगा, पैनोरोमा। ठीक है, पैनोरोमा। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इन क्वेश्चनों को नोट जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो वन हु क्लीन्स द स्ट्रीट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि गलियों की सफाई करता है, उसे स्कैवेंजर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, स्कैवेंजर। ठीक है, स्कैवेंजर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्कैवेंजर, तो स्कैवेंजर कहते हैं जो गली को साफ करता है। और स्वीपर किसे कहते हैं, झाड़ू को स्वीपर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, झाड़ू को स्वीपर कहते हैं, ब्रूम को भी स्वीपर कहते हैं। ठीक है, म्यूनसिपालिटी आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ म्यूनसिपालिटी होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। स्वीपर का मतलब होता है पृथक करना, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ब्रेक ऑफ। ठीक है दोस्तों, और वैल्योर, वैल्योर का मतलब होता है पराक्रम या बहादुरी। ठीक है दोस्तों, इसका बराबरी हो जाएगा, इसका सिनोनिम पता करना है। अगले वाले का एंटोनिम पता करना है। तो दोस्तों बोइस्टरस, बोइस्टरस का मतलब होता है उधमी। ठीक है दोस्तों, नॉइजी, तो इसका क्या है, एंटोनिम हो जाएगा, काम। ठीक है दोस्तों, अगला वाला क्या है दोस्तों, कोहेरेंट, दोस्तों कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत, और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, विसंगत। ठीक है दोस्तों, और चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला वाले का इडियम पता करना था, मीनिंग पता करना था। पेंड्रॉज बॉक्स का मतलब क्या था, कलेक्शन ऑफ एविल। ठीक है दोस्तों, अगला वाला क्या है, टू मेक द बेस्ट ऑफ ए बैड बार्गेन, टू मेक द बेस्ट ऑफ ए बैड बार्गेन, इसका क्या था दोस्तों, तो सी वाला था, टू टर्न ए डिसअपॉइंटमेंट टू द बेस्ट। ठीक है दोस्तों, और सातवां, सातवां क्या था दोस्तों, सातवां हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता करना था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों, वन नंबर सब्स्टिट्यूशन पता करना था। ए वाइड अनब्रोकन व्यू, एक विस्तृत अखंड दृश्य, इसका क्या क्या था दोस्तों, पैनोरोमा, पैनोरामा, ठीक है दोस्तों, पैनोरामा था इसका। अगला वाला पैनोरामा, ठीक है, अगला वाला देखते हैं। वन हु क्लींस द स्ट्रीट्स, वह व्यक्ति जो गलियों को साफ करता है उसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपके लिए सेशन बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई भी कमी रही हो वीडियो में तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।